आज का पेपर के आंसर की एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को सदमन करने वाला पादप हार्मोन, अनुमस्तिष्क दूसरे का आंसर है, स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद आता है आर आर वाई वाई, भाई लक्षण होगा गोल और बील पीला, जीन संरचना का बाई लक्षण होगा गोल और पीला। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है पवन ऊर्जा। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है खादीन। इसके बाद है एक्स का वैल्यू पूछिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण से बने कोण इक्वल होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। परितारिका की पेश नियंत्रित करती है पुतली का आकार को। किलोवाट हावर्स किस भौतिक राशि का मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। फिर वाई को पहचानना था एमीटर आ जाएगा। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया संक्षारण। प्रिय अभिक्रियाशीलता का बढ़ता सही क्रम में पहला है एफ ई जैडन और एल्यूमिनियम। फिर एष्ट्रीकरण अभिक्रिया, और एष्ट्रीकरण अभिक्रिया का उत्पाद सही है यहाँ पर द या डी ऑप्शन। लार में वेगेंजाइम होता है जिसे लारी एमिलेज कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। चुंबक की सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या 8 होती है। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। पिछले साल भी यह क्वेश्चन आया था। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम प्लाज्मोडियम। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि, इससे होने वाले प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। पाचतंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए। प्रकाश हो गया, ताप हो गया, मृदा हो गई, कोई सा भी एक उदाहरण इसमें दे सकते हैं। दो भौतिक राशियों आर 5 ओम है, क्यू 8×10⁻⁴ ओम मीटर है, तो चालकों की लंबाई आदि करने पर पी और क्यू के संगत मान लिखने थे। तो पी यहाँ पर प्रतिरोध को दर्शा रहा है और क्यू यहाँ पे प्रतिरोधकता को दर्शा रहा है। अगर चालकता की लंबाई आदि करते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध भी आधा हो जाता है यानी 2.5 ओम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो 16×10⁸⁴ ओम मीटर हो जाएगी। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्योंकि वो क्या होती है, दो दिशाओं में नहीं चलती। एक ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा दो दिशाओं में नहीं चलती, इस कारण से वो प्रतिच्छेद नहीं करती। परिनालिका के भीतर व उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रदर्शित करने का चित्र बना सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल व क्षार मिलकर लवण व जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण भी कहते हैं।
कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयित पदार्थ हो गया कॉपर ऑक्साइड। हीरा आयोडीन और सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा हो गया सबसे कठोर पदार्थ। इसके बाद मैथेन से बना सकते हो, जैव प्रक्रम को परिभाषित कर सकते हो, वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण कार्य करते जैव प्रक्रम कहलाते हैं। एक लिंगी पुष्प जिसमें स्थिकेसर या पुंके से दोनों में से एक उपस्थित हो, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। पपीता तरबूज चित्र बनाए सकते हो, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझा सकते हो कि ऊर्जा एक दिशीय होता है, 10% ऊर्जा की अगले पोषक स्तर में जाती है। लेंस का आवर्धन बता सकते हो, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये पांचवें दर्शन में विभवांतर की परिभाषा है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। झूलतापन आधारित दो युक्तियाँ कौन सी है, दो युक्तियाँ हो गई विद्युत बल्ब और विद्युत फ्यूज। इस प्रकार से इसके बाद है श्रेणी क्रम से जुड़े तीन प्रतिरोधों को सूत्र उत्पन्न कर सकते हैं जो पिछले साल भी आया था। घरेलू विद्युत परिपथ में संबंधित विद्युत संकेतों को समांतर क्रम में संयोजन क्यों जोड़ते हैं, ताकि कोई भी उपकरण खराब होने पर दूसरे उपकरण आसानी से ऊर्जा प्राप्त विद्युत धारा प्रवाहित कर कार्य कर सके। और दूसरी चीज़ अधिक ऊर्जा अधिक एम्पियर प्राप्त करने के लिए भी सही रहता है। फ्लेमिंग का वामस नियम लिख सकते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित ही कर सकते हो, वर्जन स्थापन में अंतर भी कर सकते हैं, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, एल्कोहल की एथेनॉल की यहाँ पर और निर्जलीकरण अभिक्रिया हो गई। साबुन की मिश्र संरचना मॉडल पेपर में दी थी, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। न्यूलैंड का स्टक सिद्धांत क्या कहता है कि पहला आठवां और पहले तत्व के गुणधर्म समान होते हैं, जिस प्रकार से संगीत के पहला और आठवां स्वर समान होता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्जन और निस्थापन में सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, वर्जन किया जा सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। निस्थापन में क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्कों का वायक्यू कम उपस्थिति में निस्थापन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसमें क्या होता है कि कुंडली और चुंबक के मध्य गति कराने से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, इसको ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अंडाशय स्रावित हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन हार्मोन का है, दो कार्य, एक तो लड़कियों में गोल्ड लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, दूसरा अंडाणुओं के परिपक्व में सहायता करता है। समजात और समरूप अंग को परिभाषित, जिसकी उत्पत्ति समान हो और कार्य अलग अलग हो समजात अंग कहलाते हैं, समरूप जिनकी उत्पत्ति अलग हो कार्य समान हो समरूप अंग कहलाते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जब प्रकाश तारों का आता है तो वो अपवर्तित हो जाता है, जिससे आभासी प्रतिबिंब तारों के बनते हैं, जिसके कारण वो टिमटिमताए दिखाई देते हैं। खतरे सिंगल लाल क्यों होते हैं, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, नीले का ज़्यादा होता है, इसलिए वह हमारी आंखों तक आसानी पहुंच जाता है। संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, संयोजन जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड जो CO2 बनाता है। इसके एक ही उदाहरण हो गई, ये 2015 में भी आया था क्वेश्चन। समजात और समरूप अंग हर साल आता ही है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और कार्य, ये पिछले साल भी आया था। अधिकांश प्रश्न पुराने क्वेश्चनों में से आए हैं।
वायवीय श्वसन को परिभाषित कर सकते हो, जिससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता वायवीय श्वसन कहलाता है। मानव श्वसन वायु मार्ग समझा सकते हो, श्वसन का मनोमांग चित्र बना सकते हो, पाचन तंत्र को परिभाषित कर सकते हो कि जटिल भोजन का सरल भोजन में अपघटित होना पाचन कहलाता है। ये इग्नेशियर इसकी भूमिका बता ही सकते हो। अवतल दर्पण बनने प्रतिबिंब बना सकते हो। अगर किसी गोल वक्रते चौथा है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, अथवा वाली भी कर सकते हो। गंदी सूचक का कोई एक उदाहरण कौन सा हो गया, वेनिला एसेंस हो गया, प्याज लौंग का तेल हो गया, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग करने पर यह बनता कैल्शियम कार्बोनेट अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करने पर बनता भी पदार्थ कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया आप करा ही सकते हो। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। सोडियम कार्बोनेट की एसिड के साथ NaCl बनता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो गया। रासायनिक अभिक्रिया Na2CO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O बन जाता है।